कल हमने सीमाकारी कारकों की अवधारणा विषय पर चर्चा की थी। आज हम सीमाकारी कारकों की अवधारणा से संबंधित सेल्फर्ड के सहनशीलता के नियम के बारे में बात करेंगे। किसी भी पर्यावरणीय कारक के बहुत अधिक या बहुत कम मान पर परिसीमन प्रभाव की अवधारणा सर्वप्रथम वी ई सेल्फर्ड ने 1913 में प्रस्तुत की थी। इस अवधारणा को सेल्फर्ड का सहनशीलता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी पर्यावरणीय कारक जिसके प्रति कोई सजीव अनुक्रिया दर्शाता है उसका अधिकतम व न्यूनतम परिसीमन प्रभाव होता है। इस परिसीमन प्रभाव के नीचे या ऊपर यानी जो लिमिट है उससे कम या अधिक होने पर किसी भी सजीव की उपलब्धता या जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अर्थात जीवों की वृद्धि तथा परिसीमन का नियंत्रण बहुत कम मात्रा में उपस्थित पर्यावरणीय कारकों के अलावा बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित पर्यावरणीय कारकों द्वारा भी होता है। जैसे हम बात करें, हमारे भोजन में आर्सेनिक की अल्प मात्रा विषाक्तता पैदा करती है, जहर बनाती है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा हमारे जीवन के लिए घातक हो सकती है। सेल्फर्ड के अनुसार प्रत्येक पर्यावरणीय कार्य के लिए एक सहनशीलता की सीमा होती है, जिसमें क्रांतिक न्यूनतम तथा क्रांतिक अधिकतम मुख्य सीमा बिंदु होते हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य का क्षेत्र सहनशीलता के प्रास कहलाता है, यानी रेंज ऑफ टॉलरेंस। यदि किसी प्रजाति के लिए सहनशीलता की परिसीमा में वृद्धि होती है तो यह प्रजाति उस क्षेत्र से विलुप्त हो जाती है या पलायन कर जाती है और इस क्षेत्र में कारकीय तनाव क्षेत्र उपस्थित होता है। मान लो हम इस अवधारणा को इस ग्राफ द्वारा अगर समझें तो पक्षियों की संख्या, यहाँ हम देख रहे हैं इस ग्राफ में पक्षियों की संख्या जो है वो ऑप्टिमम लिमिट में सबसे ज़्यादा पाई गई है और ये जो फिजियोलॉजिकल जोन है यहाँ पर इनकी संख्या कम है। इनटॉलरेंस जोन जो है यहाँ पर ये अब्सेंट हैं या नगण्य हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि क्रांतिक न्यूनतम तथा क्रांतिक अधिकतम के मध्य की प्रास में प्राणी रहना पसंद करते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब हम सहनशीलता के नियम से संबंधित कुछ सहायक सिद्धांत के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इनमें पहला है सहनशीलता की प्रास। जीवों में प्रत्येक पर्यावरणीय कार्य के लिए सहनशीलता की जो प्रास है, जो रेंज है, वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात किसी एक पर्यावरणीय कार्य के लिए ये सीमा कम हो सकती है तो किसी दूसरे पर्यावरणीय कार्य के लिए ये सीमा अधिक हो सकती है। जैसे हम बात करें, जलीय जीव ऑक्सीजन की न्यूनता में तो जीवित रह सकते हैं लेकिन पानी की कमी में मर जाते हैं। इसी तरह से दूसरा जो सहायक सिद्धांत है वो है वितरण प्रारूप। जिन जीवों में भिन्न भिन्न पर्यावरणीय कारकों के प्रति सहनशीलता की प्रास अधिकतम होती है, यानी जो अलग अलग कारक हैं लेकिन उन सब के प्रति क्या होती है, उसकी जो रेंज है, सहनशीलता की जो रेंज है वो अधिकतम होती है, उनका वितरण व्यापक होता है। जैसे हम बात करें, चूहे, गिलहरी, ये जो एनिमल्स हैं, मैमेलियन हैं, रोडेंट हैं, इनमें एक से अधिक कारकों के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। इस कारण से इनका वितरण जो है व्यापक है, विश्वव्यापी है। इसी तरह से तीसरा जो सहायक सिद्धांत है वो है सहनशीलता की सीमा। पहले हमने बात की थी सहनशीलता की प्रास। प्रास क्या होती है? रेंज। जैसे मान लो 20 से 50 के बीच में। इस तरह से जो सीमा है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जीवों में पर्यावरणीय कारकों के प्रति सहनशीलता की सीमा भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। जब किसी एक कार्य के लिए परिस्थितियां अनुकूलित नहीं होती तो दूसरे कार्य के लिए भी ये सहनशीलता की सीमा कम हो जाती है। चौथा जो सहायक सिद्धांत है वो है भौगोलिक स्थिति एवं मौसम। पर्यावरणीय कारकों के प्रति सहनशीलता की प्रास भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार बदलती रहती है।
पांचवा है प्रजनन काल। जब पर्यावरणीय कारक सीमाकारी हो जाते हैं तो जंतुओं में प्रजनन क्रांतिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे बात करें ब्लू क्रेब की, तो ब्लू क्रेब अंडे देने के लिए समुद्र में जाता है, क्योंकि इसके लार्वा जो प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर जो जल है झील का या नदी का, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। इस कारण से ये अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, यानी जो लवणीय जल है वहाँ जाते हैं। अतः ये नदियों में प्रजनन नहीं करती। नदियों में प्रजनन क्यों नहीं करती, क्योंकि वो जो लार्वा है इसके वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि इनके अंडे व लार्वा की सहनशीलता की प्रयास वयस्क की तुलना में कम होती है। तो वयस्क की तुलना में जो सहनशीलता की प्रयास जो है वो कम होती है, वो कहाँ पर होती है, नदी या झील में। इस कारण से अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं, लवणीय जल में। सीमाकारी कारकों की संयुक्त अवधारणा, कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो कल हमने लिबी के न्यूनता के नियम के बारे में बात की थी, और वहाँ पर ये हमने बताया था कि जो पर्यावरणीय कारक, जो आवश्यक रासायनिक तत्व हैं प्रकृति में विद्यमान हैं, वो जो न्यूनतम मात्रा में पादप या जंतु के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर वो न्यूनतम मात्रा में उस जंतु को या पादप को अगर नहीं मिले तो उसकी वृद्धि और विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है। तो लिबी का न्यूनता का नियम तथा सेल्फिड का जो सहनशीलता का नियम है, इन दोनों को अगर संयुक्त रूप से लागू करें तो इनसे निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी जो कंबाइंड कंसेप्ट है इससे निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला है, जीवों का नियंत्रण उन न्यूनतम आवश्यक कारकों के द्वारा होता है जिसकी मात्रा और परिवर्तनशीलता क्रांतिक है। तो जिनकी मात्रा और परिवर्तनशीलता क्या है, क्रांतिक, क्रिटिकल है। दूसरा नियम, जीव न्यूनतम आवश्यक कारकों तथा अजैविक कारकों, ये अजैविक कारक के भी न्यूनतम आवश्यक कारक हो सकते हैं, तो जीव न्यूनतम आवश्यक कारकों या अन्य अजैविक कारक यहाँ कहेंगे कि सहनशीलता की परिसीमा द्वारा नियंत्रित होता है। यदि जीव की किसी भी पर्यावरणीय कारक के प्रति सहनशीलता की प्रयास व्यापक है तो ये कारक सीमाकारी नहीं होते। यानी कोई भी पर्यावरणीय कारक हो, उसकी जो सहने की जो लिमिट है वो उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, लंबा है वो, है ना, सहनशीलता जो प्रयास है वो चौड़ी है, बड़ी है, व्यापक है, तो वो कारक जो है उस जीव के लिए सीमाकारी कारक नहीं होता है। लेकिन यदि जीव में किसी कारक के प्रति सहनशीलता की सीमा निश्चित व परिवर्तनशील हो तो यह है सीमाकारी हो जाता है। जैसे हम बात करें, स्थलीय वातावरण में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में और लगातार यानी कंटिन्यूस उपलब्ध है तो यहाँ पर ऑक्सीजन सीमाकारी कारक नहीं हो सकती, लेकिन जलीय वातावरण में यह सीमाकारी प्रभाव दर्शाती है। जैसे हम बात करें, झीलों में जो झील हैं उनमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। यदि यहाँ पर नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा कम हो जाए, भले ही अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हो, तो इस झील में जीवों की संख्या कम होगी। अतः झील में ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करता है या उसका सीमाकारी प्रभाव दर्शाता है। अब हम बात करें तीसरा इसका बिंदु जो है संयुक्त अवधारणा का, वो यह है कि विभिन्न पर्यावरणीय कारक जैसे तापमान, जल, वायु, प्रकाश, आर्द्रता, ये कारक एकल या संयुक्त रूप से सीमाकारी कारक का कार्य करते हैं। यानी ये जो जितने भी अजैविक कारक हैं, ये एक एक कारक सीमाकारी हो सकता है या कई बार एक से अधिक या संयुक्त रूप से चार पांच जो कारक हैं वो एक साथ सीमाकारी कारक हो सकते हैं। एक से अधिक कारकों के संयुक्त प्रभाव से सहनशीलता की सीमा के बाद एक कारक दूसरे कारक द्वारा व्यवस्थित हो जाता है, सेट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। जैसे कीटों में उच्च आर्द्रता व मध्यम तापमान में उत्तर जीविता अधिक होती है, यानी उनकी जो सर्वाइवनेस है वो अधिक होती है। कब होती है, जब वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा हो और टेम्परेचर जो है मॉडरेट टाइप हो, तब जो है इन कीटों की संख्या अचानक से ही बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो ही तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता वातावरण में कम होने लगती है,
तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। किसी भी चौथा जो बिंदु है, किसी भी पर्यावरणीय कारक का अधिक मात्रा में होना, किसी भी पर्यावरणीय कारक का अधिक मात्रा में होना जीव के लिए लगातार अनुकूलित हो या फायदेमंद हो, लाभदायक हो, जरूरी नहीं है। जैसे ओएस्टर युक्त जल स्रोत में बत्तख की विष्ठा अगर डाली जाए, यानी जल स्रोत में अगर ओएस्टर हैं और वहाँ अगर बत्तख की विष्ठा डाली जाए तो वहाँ पर फाइटोप्लैंकटन अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे, लेकिन इन फाइटोप्लैंकटन का निर्माण विष्ठा में नाइट्रोजन फोर्स की अधिकता होने के कारण ओएस्टर द्वारा इनको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। ओएस्टर जब भोजन के रूप में ग्रहण कब करेगा, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम होगी, तभी वो भोजन के रूप में इनको ग्रहण करेगा। तो अब हम बात करेंगे सीमाकारी कारकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसमें जो प्रमुख बात हम करेंगे वो करेंगे कृषि में उपयोग, कृषि में जो है सीमाकारी कारक हैं इनका क्या उपयोग है, इसके अलावा जल संवर्धन में इसका क्या उपयोग है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं कृषि में उपयोग, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बिंदु ले रहे हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का सीमाकारी प्रभाव। तो सीमाकारी कारकों की अवधारणाओं को कृषि और जो एक्वा कल्चर है उसमें उपयोग में उसका होता है, और वहाँ पर ये जो है ये इनका महत्व जो है बहुत अधिक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कृषि के क्षेत्र में, यहाँ पर जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं उनका सीमाकारी प्रभाव क्या है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लिमिटिंग इफेक्ट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है हम जानते हैं कि पौधे की वृद्धि और विकास जो है उनके लिए का होना अति आवश्यक है, और ये जो है वहाँ पर सीमाकारी कारक का कार्य भी करते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में अगर मोलिब्लेडम नहीं है, तो मोलिब्लेडम अगर नहीं होगा तो वो वहाँ पर जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो जो ज़मीन है वहाँ पर वो बंजर हो सकती है। इसी तरह से ये भी देखा गया कि कुछ जगह मान लो मिट्टी में जिंक का अभाव है, जस्ते का अगर अभाव है तो वो जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और जिंक का जो सीमाकारी प्रभाव है इसको हटाने के लिए, यानी इस प्रभाव को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से जिंक सल्फेट जो है उसका स्प्रे किया जाता है, उसको छिड़का जाता है, ताकि जो है वो प्लांट्स जो है या जो फसल है वो आसानी से ग्रो कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं जिसमें मान लो मैंगनीज है, फेरिक है, क्लोराइड है, जिंक है, वेनेडियम है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके लिए इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी तरह से कुछ अन्य तत्व जैसे मोलिब्लेडम, बोरोन, कार्बोन, नाइट्रोजन, ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होते हैं। और इसी तरह से जैसे सिलिकॉन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये भी जो है महत्वपूर्ण उपयोगिता दर्शाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, लेकिन इनका होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व पर्टिकुलर सोयल में जहाँ पर फसल ग्रो की जा रही है वहाँ अगर नहीं होंगे तो ये सीमाकारी प्रभाव दर्शाते हुए प्लांट्स जो है या जो फसल है उसको उसका विकास रुक जाता है या उसको वृद्धि और विकास उसका रोक देते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है मृदा की अम्लता का प्रभाव। जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है और सनलाइट कम होती है, तो बरसात ज़्यादा होती है, प्लांट्स ज़्यादा हैं, ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता भी ज़्यादा रहती है और वहाँ पर जो है पानी के साथ बहुत से जो है जो एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये जो है घुल जाते हैं और ये घुल कर जो है एक मृदा में एकत्रित हो जाते हैं और जो है अम्लीयता जो है पैदा कर देते हैं सोइल में, और इस कारण से जो फसल है वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती, यानी फसल के विकास जो है उसकी वृद्धि जो है अवरुद्ध हो जाती है।
इसी तरह से मैक्रो एलिमेंट्स वो भी सीमाकारी प्रभाव दर्शाते हैं। और हम ये देखते हैं कि बहुत से जो तत्व हैं जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये जो है इनका जो है ह्रास होता जाता है। और ये मान लो ये अगर अवेलेबल नहीं है तो ये जो है वृद्धि और विकास उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलती है मिलता है। इस तरह से तापमान, प्रकाश, इनका भी ये जो है सीमाकारी प्रभाव देखने को मिलता है। हम ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है ऐसे होते हैं जो जिनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो जो अलग अलग क्षेत्र हैं या अलग अलग प्लांट्स हैं जो है उनके लिए अलग अलग कारक जो है सीमाकारी कारक हो सकते हैं। इसी तरह से जल संवर्धन के रूप में उपयोग, तो जो जलीय माध्यम है उसमें बहुत से पोषक तत्व है, या यूँ कह सकते हैं कि जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फेट, मैंगनीज, ये जो पोषक तत्व हैं ये अगर नहीं होंगे तो उस जलीय वातावरण में जो है प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। और वहाँ पर अगर प्लांट्स अगर नहीं होंगे उसमें तो जो एनिमल्स है वो भी प्रभावित होते हैं। तो हमने बात की कृषि के रूप में जो है सीमाकारी प्रभाव जो है इनके जो माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, या जो अगर खनिज लवणों की वजह से अगर एसिडिटी बढ़ जाती है सोइल में तो ये जो कारक हैं सीमाकारी कारक का कार्य करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सीमाकारी कारकों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो सीमाकारी कारक जो है इनका अत्यंत महत्व है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये जो कारक हैं ये जो आवश्यक तत्व हों, नेसेसरी जो एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स और ग्रोथ दोनों के लिए, वो भले ही न्यूनतम मात्रा में आवश्यक हों लेकिन इनकी न्यूनतम मात्रा भी आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है वो प्लांट उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे मैंने कल बताया था कि बोरोन जो है वो अत्यल्प मात्रा में यानी ट्रेस एलिमेंट है लेकिन उसकी उपस्थिति प्लांट की ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से अपन बात करें जंतुओं में जो है विटामिन्स का महत्व है, विटामिन्स की अत्यल्प मात्रा की आवश्यकता होती है लेकिन ये अत्यल्प बहुत कम मात्रा भी अगर एनिमल्स को विटामिन की अगर नहीं मिले तो पर्टिकुलर जो विटामिन है उसकी कमी से डिजीज हो जाती है। जैसे ए विटामिन ए से, बी से, सी से, जो अलग अलग जो भी विटामिन हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी या जो अल्प मात्रा जितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है वो मात्रा भी अगर नहीं मिलती है तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट जंतुओं में देखने को मिलता है। तो सीमाकारी कारकों के द्वारा जो पर्यावरणीय कारक हैं उसको समझने में मदद मिलती है। और इसके अलावा ये जो कारक हैं ये जो अलग अलग जीव हैं उनके लिए अलग 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 जो है क्षेत्र एक तरह से डेवलप कर देते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल जोन या लिथल जोन, यानी ये कौन सा पर्यावरणीय कारक जो है किस जंतु के लिए कितना अनुकूलित है और किस जंतु के लिए कितनी मात्रा के बाद वो घातक हो सकता है, ये जानकारी जो है इसके द्वारा हमने को प्राप्त होती है। इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, सिलिकेट्स है, ये सब जो है जीवों की वृद्धि से संबंधित इनका जो प्रभाव है वो जानने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में, संक्षेप में, कि ये जो पर्यावरणीय कारक हैं न्यूनतम जो क्रांतिक से पहले और अधिकतम क्रांतिक के बाद जो है इनका प्रभाव है लिथल के रूप में होता है, घातक होता है। और ये घातक प्रभाव के कारण जो है प्राणी जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाता, प्लान कर जाता है या डेड हो जाता है। इस कारण से इन पर्यावरणीय कारकों का अत्यंत महत्व है।
तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्यावरणीय कारण के कारण वो जाति उस क्षेत्र में प्रभावित हो रही है, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उस कारक का समाधान कर सकते हैं। विशेष तौर से जैसे प्लांट्स में मान लो मैंने बात की थी कि बोरोन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, ये अगर एलिमेंट्स प्लांट के ग्रोथ और उसकी वृद्धि के लिए या विकास के लिए जो है अत्यंत आवश्यक है। मान लो पर्टिकुलर फसल के लिए अलग, फसल के लिए अलग कारक जो है उनका महत्व होता है, तो उस कारक से अगर उस कारक की अनुपलब्धता अब्सेंस के कारण वो फसल जो है वहाँ प्रभावित हो रही है, नहीं हो रही, उसकी ग्रोइंग नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उसका छिड़काव करके उस फसल को उसका उसकी वृद्धि को बनाए रख सकते हैं, उसका जो भी उत्पादन जो है प्रोडक्टिविटी उसको हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। इसी तरह से मान लो अपने को पता चले कि पर्टिकुलर जो एनिमल्स में ये विटामिन नहीं है और इस विटामिन की वजह से ये डिफिशियंसी, ये डिजीज हो रही है, तो हम जो है वो उपलब्ध करवा के उस रोग से मुक्ति पा सकते हैं इस कारण से। इसके अलावा जैसे मान लो जीवों के दूसरे जो पर्यावरणीय कारक हैं, प्रकाश है, लाइट है, इनके इनका महत्व भी अत्यंत महत्व है, और ये हमें जानने को मिलता है कि इस रेंज के बाद जो है ये जीव जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो लाभदायक जीव हैं उनकी का